नमस्कार, मैथ्सवर्ल्ड जीएम सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के अंदर आप लोग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस सीखने वाले हैं। जैसे कि पिछले कई वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में आपको सिखाया है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो सीखे हैं आप लोग, और ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो भी अवेलेबल है। इस हाइट एंड डिस्टेंसेस टॉपिक के अंदर आप लोग ऊंची से ऊंची, बहुत ऊंची ऊंचाई को कैसे माप सकते हैं और बहुत लंबी दूरी को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एंगल के हाइट और डिस्टेंस तीनों को यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो है उसको यूज करके कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे वो आप अच्छी तरह से सीखने वाले हैं। इसके लिए आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है, सिक्स जो रेशियो है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ऑर्डर से, जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कॉट थीटा, छह रेशियो है। ये जो थीटा है ये एक एंगल है और इसमें हम राइट ट्रायंगल ही ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। रेशियो के बारे में पता होगा आपको, अगर यहाँ हम लोग टीटा लेते हैं तो टीटा के सामने का जो साइड होता है उसको ऑपोजिट साइड कहेंगे, ये एडजेसेंट साइड होगा, और जो टेढ़ा साइड होता है वो हाइपोटेनस होगा। इस रेशियो को हम ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस ऐसा लिखेंगे, साइन टीटा को, कॉस टीटा को एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस और टेन थीटा अपोजिट बाई एडजेसेंट, और ये तीनों इसके रेसिप्रोकल होंगे। हाइपोटेनस बाई अपोजिट साइन थीटा का रेसिप्रोकल, सेकेंड थीटा जो है वो हाइपोटेनस बाई एडजेसेंट, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, और कॉट थीटा जो टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, एडजेसेंट बाई अपोजिट। ज़्यादातर हम लोग टेन थीटा हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर टैन टीटा, साइन टीटा, कॉस टीटा और कभी कभी कॉट टीटा यूज करते हैं। इसके लिए अभी दो हाइट एंड डिस्टेंसेस के अंदर दो टाइप के एंगल हमको सीखना होगा। एक तो है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये हमारे आई लेवल से या ग्राउंड लेवल से ये जो लेवल है उससे ऊपर की ओर अगर देखा जाए, किसी पतंग को देखा जाए या किसी बर्ड को देखा जाए, पक्षी को, तो या नीचे खड़े होके किसी खिड़की को देखा जाए, विंडो, तो नीचे से ऊपर जो हम देखते हैं हमारे आई लेवल से, नीचे से इस लेवल से ऊपर की ओर जो देखेंगे ऐसा, तो जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ
एलिवेशन। ऐसे दूसरा एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम ऊपर खड़े होके ग्राउंड पे किसी पॉइंट को या किसी कार को या किसी चीज को देखें ऊपर खड़े होके ऊपर से नीचे। ये जो हमारा आई लेवल है, आई लेवल से जो ये एंगल की लाइन बन रही है उससे नीचे की तरफ देखेंगे हम तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है हमारे सामने, ये जो दोनों लाइन दिख रही है ये दोनों पैरेलल होने की वजह से ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। सो बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म्ड हियर, सी डी इज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू थीटा। तो ये ध्यान रखना होगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का राइट ट्रायंगल होगा। ज़्यादातर आई लेवल ग्राउंड लेवल वो सभी होता है और एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ये एक पोल हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, टावर हो सकता है, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे स्टैच्यू हो सकता है। और ये जो पॉइंट है यहाँ एकदम ऊपर जो है उसको हम टॉप बोलेंगे, टॉप ऑफ द टावर। और ये जो पॉइंट है ये बॉटम होगा। फुट होगा, हम फुट बोलेंगे, फुट फुट ऑफ द टावर। और ये जो पॉइंट है पॉइंट पी, कोई भी एक पॉइंट होगा आई लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे, तो ये पॉइंट इस टावर से या बिल्डिंग से कितना दूर है वो अवे। हम लोग जब भी ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन में अवे शब्द इसमें ज़्यादा आएगा। इस पॉइंट इस 3-5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। टावर के टॉप से पॉइंट पी पे एंगल ऑफ पॉइंट पी से टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ऐसे यहां बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और टॉप से पॉइंट पी का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनेगा। कई बच्चे यहां बना देते हैं, गलत है। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनेगा और पी से टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बनेगा, तो वो ध्यान रखना होगा। इसमें ये दोनों पैरेलल होंगे। किसी भी सम को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स अगर हम फॉलो करेंगे तो किसी भी सवाल को आसानी से हल किया जा सकता है। पहला रूल होगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आप, रीडिंग दी गिवन क्वेश्चन केयरफुली। Drawing the diagram, draw the diagram। दूसरा पॉइंट हो गया draw the diagram, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के डाइग्राम को ड्रॉ करेंगे। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रेशियो आइडेंटिफाई करना है, कौन सा रेशियो हम यूज। सो आइडेंटिफाइंग द रेशियो, आइडेंटिफाइंग द रेशियो। जैसे एक ट्रायंगल में आपको
ये एंगल है, ये अपोजिट साइड है और ये डिस्टेंस है इसका पॉइंट पी बॉटम से, तो ये अपोजिट अगर एक्स फाइंड करना है आपको तो अपोजिट बाई एडजेसेंट, तो इस प्रकार से रेशियो फाइंड हो गया टेन टीटा। और कभी कभी ऐसे होगा ये अपोजिट है और ये एक्स है, तो अपोजिट बाई हाइपोटिनस हो गया साइन टीटा। और जैसे ये आ गया आपका एडजेसेंट और ये आपको फाइंड करना है, एच दिया हुआ है, तो एडजेसेंट अपोजिट बाई एडजेसेंट होगा आपका टेन टीटा। इससे ये फाइंड कर सकते हैं, एक मिलेगा और एक फाइंड करना होगा, एंगल दिया हुआ होगा। ऐसे ही एडजेसेंट और हाइपोटेनस तो कॉस थीटा यूज करेंगे हम लोग। तो पॉइंट नंबर वन टू थ्री आइडेंटिफाइंग द रेशियो, पॉइंट नंबर फोर रेशियो फाइंड हो जाने के बाद में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूशन, फिर कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन और यू कैन से सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद में फाइनली आपको कंक्लूजन लिखना होगा और आपका आंसर मिला आपको मिल जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 10√3 meter। क्वेश्चन हमने ध्यान से पढ़ लिया है, अब इसका डायग्राम बनाएंगे। एक टावर है, ग्राउंड लेवल बना लेंगे कभी भी, और टावर सीधा ऐसा परपेंडिकुलर इसके ऊपर बनाएंगे। पॉइंट ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो पॉइंट कोई भी एक पॉइंट को पी ले लेंगे विच इज 30 meter अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये फुट ऑफ द टावर है, इसको हम ए बोलेंगे। फुट ऑफ द टावर से पॉइंट पी 30 meter अवे, तो 30 meter अवे लिख लेंगे यहाँ पे। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ऑफ हाइट, टावर का हाइट हो गया 10√3। सो पॉइंट पी से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, पॉइंट पी से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया थीटा, हम थीटा मान लेंगे। लेट ए बी इज द टावर, ए इज द फुट ऑफ द टावर, बी इज द टॉप ऑफ द टावर, पी इज एनी पॉइंट on the ground, let theta be the angle of elevation from P to B, angle of elevation from P to B. So the ratio here, this is the opposite side, we can say this is the opposite side और ये एडजेसेंट साइड है। सो द रेशियो पहला हो गया क्वेश्चन रीडिंग, डायग्राम हमने कर लिया है और जो कुछ इसके बारे में डायग्राम समझाने के लिए हमें जो कुछ लिखना हो लिखा है। अब इसका रेशियो पॉइंट नंबर थ्री जो रेशियो आइडेंटिफाई करना है। सो द रेशियो इज अपोजिट बाई एडजेसेंट विच इज टेन टीटा। सो अपोजिट साइड का जो वैल्यू दिया हुआ है टेन टीटा इक्वल टू अपोजिट साइड इज 10√3, और
एडजेसेंट साइड जो 30 मीटर है यानी 30, सो इसके लिए आपको हो गया यहाँ पे 1/3 इंटू रूट 3 है। अभी इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, रूट 3 नीचे 3 है, रूट 3 इंटू रूट 3, एक रूट 3 कट हो जाएगा तो 1/√3 बचेगा, यानी टैन थीटा इक्वल टू 1/√3। 1/√3 टैन में किसका वैल्यू है, कौन से एंगल का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, और वो है टैन 30 का। सो टैन थीटा इक्वल टू टैन 30, तो इससे हमें पता चल गया है कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इस टाइप से हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। तो रेशियो हमने लिखा है, फिर उसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैलकुलेशन हमने किया, सिंप्लीफाई किया है, और फाइनली हमें आंसर मिला सिंप्लीफाई के बाद। और फाइनली अभी हम लोग कंक्लूजन लिखने वाले हैं। देयरफॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इस प्रकार से पूरा हमको कंक्लूजन लिख के आंसर दिखाना होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में सम्स को समझने के लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है। तो जैसे नंबर ऑर्डर में होगा, हाइट एंड डिस्टेंस वीडियो 1, तो पहले वीडियो 1 देखना होगा और बाद में वीडियो 2 और इसके बाद के वीडियो देखने होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।